हमारे चैनल नाउ फिल्मी साइंस में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आपको सब कुछ स्लो दिखने लग जाए तो आप क्या करेंगे? दरअसल यह कोई पावर नहीं बल्कि एक बीमारी है जो जंग वो नाम के एक लड़के को हो गई है। कहानी की शुरुआत होती है एक सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर से, जहां दो लेडीज एक न्यू यंग वर्कर के बारे में बात कर रही होती है जो बंद कमरे में भी धूप का चश्मा लगाकर बैठा है। तभी अचानक एक सीसीटीवी फुटेज में दो चोर भागते हुए दिखते हैं, जिसके बाद वहां के कर्मचारी अपने बॉस को बताते हैं और वो पुलिस को खबर कर देता है। लेकिन वह चोर जल्दी ही उनकी नजरों से ओझल हो जाते हैं। जब सभी को वो चोर सीसीटीवी फुटेज में नहीं दिखते तो जैम्बू नाम का जो नया वर्कर था वो सबको फोटोज दिखता है, जिसमें उन दोनों चोरों की छिपने की लोकेशन पता चल जाती है। उस फुटेज की मदद से जल्दी ही पुलिस उन चोरों को पकड़ लेती है। दरअसल जैन बुक को हर चीज स्लो मोशन में दिखती है। अपनी इन्हीं आंखों की वजह से उसने तेज भागते हुए चोरों को भी छिपते हुए देख लिया था। फिर हमें उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है। जब वो 5वीं क्लास में पढ़ा करता था, वो एक स्कूल के खेल के मैदान में अपनी बचपन की बहुत बोंग भूमि के साथ एक रेस में हिस्सा ले। ये वही समय था जब उसको फर्स्ट टाइम स्लो मोशन में आना शुरू हुआ था। जब वह अपने पेरेंट्स को यह बात बताता है तो उसके पिता उसे अपने डॉक्टर दोस्त के पास लेकर जाते हैं। वो डॉक्टर बताता है कि इसको एक बहुत ही रेयर बीमारी हुई है जिसका नाम डिमोंटिक विजुअल एक्टिविटी है। इस बीमारी के ये हर चीज को स्लो मोशन में देखता है और ये साबित करने के लिए डॉक्टर उसकी तरफ एक बॉल बड़ी ही तेजी से फेंकता है, जिसको वह बहुत ही आसानी से पकड़। डॉक्टर उसकी आंखों को आराम आने के लिए उसको हर समय एक धूप का चश्मा पहनने की एडवाइस देता है। उसकी आंखें ठीक करने के लिए बहुत ही पैसा खर्च होने वाला था, इसलिए उसके पिता पैसे कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं ताकि वो अपने बेटे का सही इलाज करवा सके। जैन वो घर में अपनी माँ और अपनी बहन के साथ रहा करता था। दरअसल ये बीमारी उसके लिए एक वरदान भी थी और श्राप भी। वो अपनी इसी बीमारी के कारण अपनी छोटी उम्र में ही जिंदगी के नजारे भी ले रहा था, लेकिन हर समय चश्मा पहनने के कारण उसको स्कूल में भी किया जाता था। सनी उसकी एक थी जिसको वह अब प्यार करने लगा था, लेकिन जैसे जैसे समय लगता है लोग उसकी वजह से सनी को तंग करने लगता है और ना चाहते हुए भी सोनी जैन को छोड़ देती है। अब जैन का छोटी उम्र में ही दिल टूट जाता है और वह चाहता है कि उसकी आंखें पूरी तरह से खराब हो जाएं, इसलिए वो हर वक्त नजदीक से टीवी है, लेकिन फिर भी उसकी आंखें खराब नहीं होती। दिन टीवी देखने के कारण अब वो अपने फेवरेट कैरेक्टर्स की एक्टिंग भी करने लगता है और उनके स्टाइल भी कॉपी करने की कोशिश करता है। अब कई साल बीत जाते हैं, उसके पापा अभी भी पैसा कर वापस नहीं आए थे और एक दिन खबर आई है कि एक एक्सीडेंट के कारण उसके पिता की मौत हो गई है। अब घर का सर हर जैंगबो के कंधों पर जाता है और वो अपनी आंखों का इलाज करवाने के लिए फिर से इस डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे समझते हैं कि अब तुम्हें ही पैसा है और अपने घर को संभालना है और उसे एक सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में करने की सलाह देते हैं। अब जैंबू सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में काम करने लगता है। अब हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वह अपनी इस जॉब में बहुत ही खुश था क्योंकि उसे लोगों को टीवी पर देखना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसके ही ऑफिस में काम करने वाला व्योम नाम का लड़का अपनी बस बात करता है और उन्हें बताता है जंग बुक किसी से भी बात नहीं करता और वो बहुत ही टैलेंटेड लड़का है। अब व्यंग अपनी ड्यूटी के टाइम जैन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैन उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। वो सीसीटीवी में चल रहे लोगों के फुटस्टेप भी काउंट करता है। वो ये भी नोट करता है कि एक गली से दूसरी गली में जान के लिए कितना कम चलना पड़ता है। व्योम को उसकी यह बात बड़ी ही अजीब लगती है। फिर उसे घुलने मिलने के लिए वो पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। इससे जैन को समी की याद जाती है और अगले ही दिन वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। अब बड़ी हो गई थी और बहुत ही सुंदर हो गई थी, लेकिन उसके सर पर बहुत सारा कर्ज था जिससे आए दिन उसे कर्ज देने वाले तंग किया करते थे। जैन उसे दूर देखा है लेकिन उससे बात करने की हिम्मत नहीं होता। पता अब वो अपने कैमरे में भी स्विमिंग पर नजर रखना लगता है। वो उसके हर रोज के रूटीन को याद। समी हर रोज एक कैफे में जाकर कोल्ड ड्रिंक पिया करती थी, अब जैन भी यही करने ऐसा लगता है। अगले दिन बारिश की वजह से समी एक बस स्टॉप पर फंस जाती है। अब जैन अपने दोस्त को लेकर उसकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है। वो शाहरुख खान की तरह छाता खोल के उसको बारिश से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको लफंग कर वो वहाँ से चली जाती है। फिर जैन और व्यंग दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। जैन डॉक्टर को बताता है कि वो समी को इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन क्या करे, इससे डॉक्टर उसे फ्लावर्स देने की सलाह देता है।
अगले दिन सोनी एक म्यूजिकल ड्रामा में ऑडिशन देने के लिए जा रही होती है, लेकिन वो लेट हो जाती है, इसलिए वो वहाँ पर करती है और फोन पर ही अपना ऑडिशन देने को कहती है। अब वो फोन पर ही गाना शुरू कर देती है। उसका गाना सुनकर लोग बड़ी ही हैरानी से उसे देखते हैं। तभी वहाँ पर जैन फ्लावर्स लेकर पहुँच जाता है और समी का गाना खत्म होते ही उसे बुके दे देता है, लेकिन बदले में उसे कहती है, इन बुके की जगह पर तुम मेरे लिए जहर लेकर आते तो ज्यादा अच्छा होता। तभी समी वहाँ से जान लगती है। फिर जग उसे उसके बचपन के नाम से पुकारता है, लेकिन वो कहती है कि ये मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम बॉनभूमि है। इससे जैन को पता चला है कि वो अब तक कोई गलत लड़की का पीछा कर रहा था, लेकिन अब बहुत डर हो चुकी थी और उसको गलत लड़की से ही प्यार हो जाता है। उसी दिन शाम को स्वामी अचानक उसको एक जगह टकरा जाती है। वहाँ से सुमित शॉपिंग करके लौट रही थी। फिर सोनी जैन से अपने भारी बैग उठाती है। फिर जब वो उसे छोड़कर वापस जान लगता है तो सनी उसे पूछती है कि वो उस लड़की को क्यों ढूंढ रहा है। फिर वो कहता है कि वो बचपन से ही उसे पसंद करता है। फिर अगले दिन जैन समी को फोन पर किसी से बात करता है। समी को फोन पर पता चला है कि वह म्यूजिकल ड्रामा में सिलेक्ट हो गई है। यह सुनकर समीर रास्ते में ही नाचे लगती है। उसे समय जैन उससे अपनी स्क्रीन पर देख रहा था। उसे रात सनी एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है। तभी वो देखते हैं कि जैन उसे रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा है। फिर वो उसे अंदर बुला लेती है और उससे बातें करने लगती है। फिर सनी उसे अपने लिरिक्स देती है और उसे अपना गाना सुनती है। उसका गाना सुनकर जैन कहता है कि बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद जैन भी अपना टैलेंट दिखाता है। रेस्टोरेंट में सभी अगले दिन जैन समी के घर जाते हुए स्टेप्स को काउंट कर रहा होता है। उसका दोस्त आते हुए स्क्रीन पर देख और वो समझ जाता है कि वह रास्ते को याद करने की कोशिश कर रहा है। उसे रात सोनी जब अपने से वापस लौटती है तो वो देखते हैं कि जैन उसका इंतजार कर रहा है। फिर वे दोनों बातें करते करते आगे चलते हैं और सुमित को पता चला है कि जैन एक सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में काम करता है, जहां से वो किसी को भी देख सकता है। फिर स्विमिंग उसे इस कैफे बताती है जहां वो अक्सर जय करती थी। वो बताती है कि उसे उसके ओनर से क्रिश है और उसके पास एक बार भी है। जैन को उसके ओनर से काफी जलन होने लगती है। अब जैन समी को घूमने के बेचैन हो जाता है। फिर वो अपने ऑफिस में सबसे पूछता है, क्या किसी के पास कर है? अगर किसी के पास तो मुझे दे दे, क्योंकि मैं स्विमिंग को उसमें ना चाहता हूँ और आप बदले मुझे दे सकते हो, लेकिन वहाँ किसी के पास नहीं होती। अगले दिन घर पहुँचने वक्त स्विमिंग को रास्ते में एक आदमी मिलता है जिसकी वो कर्जदार थी। वो उसे इनडायरेक्ट धमकाने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो उसे परेशान करेगा, लेकिन जैन और व्यंग सही टाइम पर पहुँच कर पील लेते हैं। जब वह पर वापस आता है तो सनी एक कैमरे के सामने खड़ी होकर जैन को थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसे विश्वास था कि जैक अभी भी उसे कंट्रोल सेंटर में बैठा देख रहा होगा। उसे शाम वे दोनों एक पार्क में मिलते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। फिर जैन उससे पूछता है कि अगर तुम मिल जाए तो तुम क्या करोगी। तुम ही बताती है कि अगर मेरे पास होगी तो मैं हर रोज बीच पे जाऊंगी। जब जैन नहीं मिलती तो वो हर रोज जी बस में ट्रैवल किया करता था। उसके ड्राइवर से दोस्ती है। उसने अपने कंट्रोल सेंटर से देखा था कि वो ड्राइवर हर रोज अकेला ही बेसबॉल खेलता था, इसीलिए एक रात वो भी उसके साथ बेसबॉल खेलने के लिए पहुंच जाता है। जैन उससे दोस्ती है और बात बात में उससे अगले दिन जैन और वह बस ड्राइवर स्विमिंग को समुद्र दिखाने के लिए ले आते हैं। इसके लिए उन्हें बोसान जाना था। अब सुमित जैन के इन एफर्ट्स को देखकर उसे बहुत पसंद करने लगती है, लेकिन रास्ते में बॉर्डर पर उन्हें लिया जाता है और आगे नहीं जान दिया जाता, क्योंकि उनके पास बस को आगे जाने के लिए परमिट नहीं था। उसे पुलिस वाले से लगती है और ड्राइवर जाके समी को ऐसा करने है, लेकिन अब पुलिस वाले उनसे गुस्सा होकर उन्हें वहाँ से वापस भेज देते हैं। अब अगले दिन कंट्रोल सेंटर में उन सभी को कहता है कि शहर में लेडीज को किडनैप करने की एक गैंग आई हुई है, अब हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। उसे एक मिनट पर सुमित को देख रहा होता है, लेकिन वो वहाँ से अचानक से गायब हो जाती है। तभी वो डर जाता है और भागकर वहाँ जाता है। वहाँ पहुँचकर उसे पता चला है कि समी ने उसके साथ मजाक किया था, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि जैन उसे बचाने के लिए आता है या नहीं। उसके बाद चश्मा है और उसको किस करती है। फिर जैन उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। घर पहुँचने पर वे देखते हैं कि अपना पैसा वापस मांगने के लिए वहाँ कुछ लोग आए हुए थे। वे अपने पैसे के लिए स्विमिंग को धमकाते हैं और उसके घर में तोड़फोड़ भी करते हैं। शोर सुनकर जैन समी की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आंखें धुंधला जान के कर वो नीचे गिर जाता है।
फिर उन लोगों के जाने के बाद वे दोनों आपस में बैठ के बातें करते हैं और इकट्ठा करते समय सुमित जैन को बचपन की कुछ ड्राइंग दिखाई है। वो ड्राइंग जैन ने ही बचपन में सोनी के लिए बनाई थी। फिर सोनी बताती है कि वह नहीं चाहती थी कि जैन की उससे दोबारा दोस्ती हो जाए, इसीलिए उसने जैन से असलियत छुपाई। उसी समय जैन एकदम शांत हो जाता है और सनी उन ड्राइंग्स को देखकर मुस्कुरा रही थी। अगले दिन जैन फिर से डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि मेरी आंखें कल से ज्यादा धुंधली हो गई हैं। डॉक्टर से बताता है कि उसकी बीमारी अब और गई है, अब वो जल्दी ही अंधा हो सकता है। जैन बुक को इस बात का पहले से ही पता था, इसीलिए वो जहाँ भी जाता था अपने स्टेप्स वो काउंट करता था ताकि एक दिन वो अंधा हो जाए, उसे चलने में दिक्कत ना आए। अब दोनों ही परेशान थे, जैन अपनी आंखों के कारण और सनी अपने लिए हुए कर्ज के कारण। एक दिन सम्मी अपना घर बेचकर अपने सारे कर्ज चुका देती है, लेकिन अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर जैन उसे अपना बॉक्स लिए एक दुकान के अंदर जाते हुए देखा है, लेकिन तभी उसके साथ काम करने वाली एक औरत नोटिस करती है कि वहाँ एक बार बार चक्कर लगा रही है। फिर वो उसे का नंबर नोट करके उसे चेक करवाती है, तो उन्हें पता चला है कि वह एक भेज हुए किडनैपर थी। फिर वे सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे देते हैं, लेकिन और दोनों सीसीटीवी कैमरे से ओझल हो जाते हैं। अब जैन को डर लगे, लगता है कि उन्होंने स्वामी को किडनैप ना कर लिया हो। अब वो अपनी साइकिल लेकर स्विमिंग को देखने के लिए जाता है, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी तरह से खराब हो जाती है और उसे कुछ भी ना देखने वो एक कर से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। उसका दोस्त भी हम उसे कैमरे में देख रहा होता है और उसकी हेल्प करने के लिए जाता है। अब एक अनजान आदमी समी का हाथ पकड़ के उसे लगता है, लेकिन तभी वहाँ जाता है। जैन को देखकर वो किडनी पर वहाँ से भाग जाता है और जैन भी एक बस से टकराते तभी वहाँ पुलिस जाती है और समी को पूछताछ के लिए ले जाती है। अब जंग वहाँ पर अकेला रह जाता है, लेकिन तभी उसका दोस्त उसकी हेल्प करने के लिए है। अब वह अपने दोस्त जैन का हाथ पकड़ता है और जैन अपनी आंखें पूरी तरह से खराब हो जाता है। अब इस घटना को कुछ दिन बीत जाते हैं, सनी अपनी लाइफ में फिर से बिजी हो जाती है और जैन से कांटेक्ट भी नहीं करती, लेकिन जब भी उसे जैन जाती है तो वो सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखने लगती है, लेकिन वहाँ नहीं आता। लेकिन एक दिन जंग उसे अपनी फेवरेट कॉफी शॉप में नजर आता है। वो खुश होकर उसकी तरफ देखकर हाँती है, लेकिन वह जैन को एक वॉकिंग स्टिक निकालकर दूसरी तरफ जाते देखकर उदास हो जाती है। वो सारे रास्ते उसका पीछा करती है और फाइनली वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर एक आर्ट गैलरी थी। वहां जाकर वो देखते हैं कि पूरी गैलरी जैन के हाथों से बनाई हुई पेंटिंग से भरी पड़ी थी, जिसमें उसने समी की ही पेंटिंग रखी थी। तभी वो देखते हैं कि जंग एक पेंटिंग बना रहा है और खुद से ही बातें कर रहा है कि चाहे वो अंधा हो गया है, लेकिन सनी उसे अभी भी याद है। अगले दिन फिर से जैन के पास जाती है, लेकिन इस बार जैन उसे महसूस कर लेता है। फिर दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा देना, मैं आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत करती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल नाउ फिल्मी साइंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं किसी और वीडियो में।